शहर हैदराबाद के साउथ जोन के इलाके कंचनबाग पुलिस स्टेशन हदूद में एक इकदाम कत्ल की वारदात पेश आई। बताया जा रहा है कि मुतासरा के अफराद खानदान ने कंचनबाग पुलिस स्टेशन में इस बात की एक रिपोर्ट दर्ज करवाने की कोशिश की, मगर वहां के SHO ने कंप्लेन दर्ज नहीं की। एक तरफ तेलंगाना पुलिस बड़े बड़े दावे करती है, अगर वक्त रहते कंप्लेन ली जाती तो ये वारदात नहीं हो पाती। आखिर कंचनबाग पुलिस ने ये कंप्लेन क्यों नहीं ली? कंप्लेन करने वालों पर ही वहाँ के CI ने उनके खिलाफ ही कंप्लेन दर्ज कर दी। आखिर कंचनबाग पुलिस को किसका प्रेशर है जो एक मजलूम खातून की मदद नहीं की, जबकि तेलंगाना पुलिस हर वक्त एक्टिव रहती है, पर कंचनबाग पुलिस ने इस खातून के घर वालों की कंप्लेन क्यों नहीं ली? मुलजिम जब इस खातून को हरासा कर रहा था, इस मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? कंप्लेन ना लेने की वजह से आज उस खातून पर खातिलाना हमला किया गया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हाँ हाँ नहीं, कार्रवाई कर रहे हैं, उसको बेफिक्र रहो, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक हो जाता, जरा कट गया उसको टाके दे देते, ठीक हो जाते इन शाला। मैं पुलिस वालों से भी बात करा, नहीं कर रहे कार्रवाई, देखेंगे, फिक्र मत करो, यहाँ सब ख्याल रख कर लेते हैं, पूरी कार्रवाई करवाएंगे इंशाल्लाह, डॉक्टर्स भी देख रहे हैं इंशाल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता ही देंगे, पूरा बेफिक्र रहो इंशाल्लाह, आप फिक्र मत करो। मम्मी का नाम नूर बानू है, ये जो हबीब था हमारे घर के पास रहता था, वो मम्मी को कितने के दिन से तंग कर रहा था, बहुत हरासमेंट कर रहा था, जान जाने वहाँ स्टॉक कर रहा था, एक कंप्लेंट दिए भी हम लोग हमारे नियर यहाँ पे पुलिस स्टेशन में और दूसरी जगह भी, तीन बार कंप्लेंट दिए कि तीन बार भी केस फाइल करे, मगर कुछ भी एक्शन नहीं लिए वहाँ पे। यहाँ हमारे मोहल्ले के जो भी थे लोग, बड़े लोगों को भी बोले पर फिर भी नहीं सुने उन लोग, कुछ भी ना हुआ। मम्मी मेरे दीदी के पास से जाके आ रहे थे, फिर भी ऐसा मर्डर केस कर दिए। चचेरे भाई और लोग हमें कुछ कर रहे थे, उन लोग उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे, उन लोगों के ऊपर केस फाइल हो गया, उन लोग को जेल में डालने वाले थे, ऐसा हुआ ये सब। आपके मम्मी की उम्र क्या रहती है? 45 है। कितने बहन भाई हैं आप लोग? हम लोग 4 बहना 2 भाया हैं। इससे पहले कभी शिकायत करे आप लोग पुलिस स्टेशन में? 3 बार करे जाके। ऐसा क्या रिस्पॉन्स मिला पुलिस? कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिला, जब का जब लेके गए फिर छोड़ दिए। पापा क्या करते हैं आपके? पापा का इंतकाल हो गया। हाँ, केबल ऑपरेटर थे उन्होंने। वन ईयर से चल रहा, कितने की बार बोले भी, मोहल्ले वाले भी रोकने की कोशिश करे पर बाद में रुक रहा ही नहीं था। कंप्लेंट करने में पुलिस वाले नहीं सुने, और उन्हें एक बार जाके कंप्लेंट करा, मम्मी की कंडीशन बहुत सीरियस है, पूरा सर वही खुल गया, हाथ वही टूट गया, पूरा सत्तूर से मारे कहते, पूरा नाम शेख हबीब नाम है उसको, शेख नसीरुद्दीन के नाम से जानते हो। उन्हें क्या करते काम? नहीं मालूम, बेकार नहीं मालूम, बेकार फिरता गया, औरतों के पीछे रहता, नूर बानू नहीं जी। मेरा नाम सैयद एजाज मेहदी है, मैं बाबा नगर के बेला बैठ रहा हूँ। मैं कई दिन से हम लोग एक शख्स के कंप्लेंट लिखा रहे थे जिसका नाम है शेख हबीब के नाम से पहचानते हैं, उसका नाम शेख नसीरुद्दीन है, IDK पर कई बार कंप्लेंट करा रहे हैं, हम लोग कोई एक्शन नहीं ले रहे पुलिस वाले। अगर हम लोग लिखा के करके बात करने के बाद भी हाँ हो गया जाओ हो गया जाओ बोल के भेजते चले गए हम लोग को जी, सब खाली के लिए हरासमेंट कर रहा हूँ, हमारी भावस को हरासमेंट कर रहा था, जिसका नाम नूर बानो है,
जो आज उनका मर्डर हो गया, अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया, जो इसके लिए अभी भी अभी अभी अस्पताल में है, सीरियस है। कितने दिन से चल रहा है ये? साल डेढ़ साल से चल रहा है। क्या वजह हो सकती है? नहीं पता हमसे। हरासमेंट की वजह से कर रहा है? वजह हरासमेंट कर रहा, जबरदस्ती का हरासमेंट कर रहा, पीछे जा रहा है। नहीं मालूम कि वो विंडो है, बेवा है। हाँ उन्होंने तो बेवा है सर, बेवा है, दामादा वाले उन्होंने खाली बिली के हरासमेंट कर रहा, उनके पीछे फिर रहा, उनको बोले तो रोके। बाबा नगर में रहता मस्जिद साले इनके पास, नहीं वो कोई लीडरों के साथ रहता है, टीआरएस के हमको नहीं मालूम। सुनने में आया सके कोई टीआरएस के लीडरों के साथ रहता हूँ बोल के मालूम हुआ। इससे पहले भी आप कंप्लेंट दे, कोई पुलिस एक्शन? नहीं नहीं कोई एक्शन नहीं, हम लोग कंप्लेंट लिख दिए, बुक हो गया बोले भिजा दे रहे, बस हम लोग लिख दिए कर दी। नहीं कल लेके जाते 10 मिनट में छोड़ देते। अभी इस वक्त पकड़े पकड़े नहीं मालूम, अभी कुछ नाम अभी मालूम नहीं, पकड़े गया नहीं गया अभी कुछ नहीं मालूम, कहाँ है इस वक्त नहीं मालूम। आप कौन हो ना? मैं किसको? लेडीज का कौन? मैं देवर हूँ जी। आपको पता नहीं है कि ये वजह क्या हो सकती है? नहीं नहीं मालूम। जब आपको सता रहा जो बोल रहे हैं आप, क्या जी कुछ हरासमेंट ऐसे सुनने में आया, हरासमेंट कर रहा है, पीछे जा रहा, जैसा कि बोलते ना कुछ ऐसा। शादी हुई ना? शादी हुई तो नहीं हुई उसकी, ऐसा कुछ ऐसा हरासमेंट कर रहा, जैसा कि उनके भाई का इंतकाल हो गया, हो सकता है ज्यादा ज्यादा कैसे उनको पीछे पड़ा होगा, हो सकता है ऐसा कुछ दिख रहा मेरे को।